हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। वो 172 पॉइंट हमने कवर किए थे, 173वां पॉइंट है। तो हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अभूतपूर्व विस्तार किया। बीजेपी ने बुढ़ापा पेंशन अब 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को बिना आय की सीमा के दी जा रही है, जिससे कि 1,50,000 से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस समय प्रदेश में 5,34,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के अस्तित्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि आगामी वर्ष में 50,000 और पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, विधवाएँ और दिव्यांगजन समाज के सबसे वल्नरेबल वर्ग हैं। ऐसी सभी विधवाएँ व दिव्यांगजन जो अभी भी 850 रुपये की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रहे हैं, उन्हें अब 1,000 रुपये की प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। बड़ी राशि का लाभ लगभग 1,25,000 लोगों को मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दायरे के इस विस्तार के फलस्वरूप 100 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। इस तरह से कुल 1,75,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए 766 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। अब अटल पेंशन योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक पंजीकृत अंशदायियों को सरकार की ओर से 50% या 2,000 रुपये तक का अंश जो भी कम हो दिया जा रहा है। इस योजना से अभी 86,000 लोग, जिसमें मनरेगा कार्यकर्ता, कृषि बागवानी, मजदूर, कामगार, आंगनवाड़ी सहायक, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता इत्यादि लाभ ले रहे हैं। मैं वर्तमान लाभार्थियों को और नए लोगों को पेंशन सुविधा का लाभ देने के लिए इस योजना को सहर्ष 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की घोषणा करता हूं और वर्ष 2020-21 में इसके लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें आंगनवाड़ी, आशा, जलवाहक, वाटर गार्ड, मिड डे मील, सिलाई, अध्यापिका इत्यादि बीमा योजना में शामिल नहीं है। हमारा प्रस्ताव है कि इन वर्गों को भी बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति निगम के उन लाभार्थियों के लिए जिन्हें कर्जा वापस करने में वास्तविक कठिनाइयां हैं, उन्हें राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट की योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय को 500 रुपये प्रतिमाह, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय को 300 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय को 300 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब जनजातीय विकास, भारतीय बीजेपी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का सतत एवं समावेशी विकास प्राथमिकता रही है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2020-21 में 1,758 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता सेनानी कल्याण, अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता का देश की रक्षा हेतु सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों में योगदान वंदनीय है। हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई आवश्यक निर्णय लिए हैं। आगे भी प्रयास रहेगा कि उनके कल्याण के लिए यथासंभव प्रयत्न जारी रखे जाएंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि युद्ध जागीर के लाभार्थियों को मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि को 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया जाएगा और प्रदेश के उन सैनिकों में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, वहां पे कैंटीन तथा विस्तार काउंटर खोलने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध किया जाएगा। और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात प्रबंधन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए 176 पुलिस वाहनों में माउंटेड कैमरे लगाने की घोषणा की गई है, जिससे कि अवांछित गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा सके। 176 पुलिस वाहनों में माउंटेड कैमरे। और वर्ष 2020-21 के दौरान 500 अतिरिक्त बॉडी वॉर्न कैमरे क्रय करने का प्रस्ताव दिया गया है और इसके साथ ही 500 सीसीटीवी कैमरे पुलिस की सहायता के लिए लगाए जाएंगे। तो 500 बॉडी वॉर्न कैमरे
और 500 सीसीटीवी कैमरों का प्रस्ताव है। और इसके अलावा साइबर समन्वय केंद्र को आधुनिक जो तकनीकी है उनसे लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने 10 डेडिकेटेड माइनिंग चेकपोस्ट साबित करने की घोषणा की है और इन चेकपोस्ट का संचालन संयुक्त रूप से उद्योग तथा पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। और अपराधियों की जांच के प्रदेश में डीएनए डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे कि अपराधों की छानबीन अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा बद्दी में एक विजिलेंस थाने की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है और प्रदेश के विजिलेंस मैनुअल को सीवीसी मैनुअल सेंट्रल विजिलेंस मैनुअल 2017 के आधार पर संशोधित किया जाएगा। और प्रदेश की 5 फायर पोस्ट को अपग्रेड करके सब फायर स्टेशन बनाने की घोषणा की है। पिछले बजट में 1063 कांस्टेबल के पद भरने की घोषणा की थी। आरक्षी बल शक्ति को और सशक्त बनाने के लिए मैं आगामी बार पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद भरने का प्रस्ताव करता हूँ। तो पुलिस के 1000 जो वैकेंसीज हैं वो निकलेंगी। मैं गृह विभाग जिसमें पुलिस, तो इसमें पुलिस गृह रक्षक अग्निशमन कामगार के लिए 1729 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कर्मचारी कल्याण, कर्मचारियों से लगातार आ रही मांग के दृष्टिगत नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को जो दिनांक 22/9/2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान देने का मामला सरकार के विचाराधीन है। तो मैं ऐसे कर्मचारियों जो नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं ग्रेचुटी देने की घोषणा करता हूं। तो इससे 5500 अधिक कर्मचारी लाभान्वित हो गए और इसके प्रयोजन के लिए 110 रुपये का प्रावधान है। पच्चीस जनवरी को मैंने कर्मचारियों पेंशनरों के लिए 5% DADR की घोषणा की थी और इस पर सरकार 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। तो जो कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको 5% DA और DR मिलेगा। अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन जमा ग्रेड पे जमा 125% ग्रेड पे की दर से वेतन दिया जा रहा है। मैं सर्च घोषणा करता हूँ कि आगामी वर्ष उन्हें मूल वेतन जमा ग्रेड पे 150% की दर से दिया जाएगा। इससे 22,000 अनुबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और दिहाड़ीदारों को जो न्यूनतम दिहाड़ी 250 रुपये मिलती है उसे 275 रुपये किया गया है। और जो अंशकालिक कर्मी हैं उनकी भी दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो इसके अलावा सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के नियमित अंशकालिक अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारियों की व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना के बीमा कवर को बढ़ाने की घोषणा की गई है। दुर्घटना होने पर सुनिश्चित बीमा राशि को मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये दिया जाएगा और आंशिक क्षति की दिशा में यह 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपये दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को थोड़ा सा अधिक प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा वर्तमान में 70% से अधिक अस्थि बाधित जो हैंडीकैप्ड और दृष्टिहीन सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको वाहन भत्ता 500 रुपये की दर से दिया जा रहा है। इस वाहन भत्ते को 750 रुपये कर दिया है। वर्तमान सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के 4,278 नए पद सृजित किए जाएंगे और विभिन्न विभागों में 315 पदों को भरने के लिए अनुमति दी गई है। ठीक है।
इसके अलावा देखिए जो इम्पोर्टेंट है, प्रदेश में वर्तमान में दो रेल परियोजनाएं भानपुल्ली बिलासपुर बैरी और दूसरी है चंडीगढ़ बद्दी कार्यान्वित की जा रही है। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के प्रथम 20 किलोमीटर पर भू अधिग्रहण पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य आरंभ कर दिए गए हैं। शेष बची अलाइनमेंट पर भी जल्दी काम किया जाएगा। तो 2019-20 में बजटीय प्रावधान जो किया गया था उसके अतिरिक्त 105 करोड़ रुपये राज्य अनुदान के रूप में दिए गए हैं और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन पर भू अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। यह रेल परियोजनाएं राज्य और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित की जाएंगी। मैं बगलामुखी मंडी तथा नारकंडा से हाटू माता मंदिर तक दो रोपवे की निर्माण प्रक्रिया को 2020-21 में पीपीपी मोड में शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि आवश्यकता हुई तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए राज्य बजट से आवश्यक राशि प्रदान की जाएगी और 5 नए हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा और चंबा जो शहर है उसको उड़ान 2 के तहत शामिल किया जाएगा और जो 5 हेलीपैड हेलीपोर्ट्स चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस होगा अगर अच्छे तरीके से चलते हैं तो बाकी जगहों मतलब सभी जिला मुख्यालयों पर हेलीपोर्ट्स निर्मित किए जाएंगे। तो हवाई अड्डों को विस्तार निर्माण तथा हेलीपोर्ट्स के निर्माण हेतु 2020-21 का जो प्रावधान है प्रस्ताव है वो 1013 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा देखिए आवास सुविधाओं के बारे में कहा है कि जल जीवन मिशन और रोशनी जो योजनाएं हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर सभी संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें क्वेश्चन, 2020-21 के लिए प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है हमारी सरकार ने पिछले बजट का, तो मुख्यमंत्री जी ने 20,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। तो लास्ट ईयर क्या किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी आवास योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की थी। तो इन्होंने 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रति व्यक्ति को अनुदान दिया जाएगा जो आवास योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। दो हज़ार बीस इक्कीस में प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत 10,000 नए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा जो कि पिछले वर्ष के लक्ष्य से 2 गुना से अधिक हैं। तो देखिए अनुसूचित जाति के पात्रों के लिए 5100 आवास, जिनके लिए मैं नई स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3100 आवास प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1000 और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 800 आवास प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आवास के क्षेत्र में प्रदेश सरकार जो 160 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने बजट कवर किया है। डोंट वरी, मैं इसके आपको जो प्रेजेंटेशन है वो बना के लाऊंगा, जिससे कि जो ये तो हमने पूरा उनकी स्पीच पढ़ी, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।